शनिवार को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की महाना छठी में देश भर से हजारों की संख्या में जायरीन ख्वाजा के दर पहुंचे। शुक्रवार देर रात से ही जायरीनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया। फजर की नमाज के बाद जायरीन दरगाह में ही बैठे रहे और छठी की रसूमातों में शिरकत की। खुद्दा में ख्वाजा ने गरीब नवाज की शान में बयान पेश किए, सलातो सलाम के नजराने पेश किए गए और देश में अमन चैन की दुआ मांगी गई। इस मौके पर गरीब नवाज सेवा समिति की ओर से जायरीन के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। सलातो सलाम के बाद फातह देकर जायरीन को तबर्रुक तकसीम किया गया। ख्वाजा साहब के दरबार में हर महीने छठी शरीफ में जैसे जायरीन आते हैं, उस तादाद से ज्यादा आज की छठी शरीफ में जायरीन ज्यादा थे। ये छठी शरीफ ख्वाजा फकर में भी मनाई जाती है और यहाँ से एक घंटे पहले यहाँ पर छठी शरीफ 8 बजे से लेकर 9 बजे तक हुई और 9 बजे के बाद में सरवार शरीफ में छठी शरीफ होती है। तो ये हर साल ख्वाजा फकर का उर्स मनाया जाता है जिसमें जायरीनों की तादाद ज्यादा होती है, आज भी थी। हिंदुस्तान के जितने मुसलमान हैं वो आज गरीब नवाज के बदौलत हैं। अगर वो इससे मुनकिर हैं तो यकीनन वो पहले तो मुसलमान नहीं है, वो किसी भी फिरके के हों पहले तो वो मुसलमान नहीं है। और ये जो हस्ती है ये इसी बात को मानती है और मान करके साउथ इंडिया के अंदर ये इसी बात का मोहसिन पाशा साहब हैं। पूरे साउथ इंडिया के अंदर ये अकेला आदमी अपने मुरीदों को, अपने मोतकीदों को, अपने महबूबों को लेकर के घूमते हैं और जहाँ भी कोई भी इसी मिशन के ऊपर काम होता है तो हर मिशन, हर वाज में, हर तकरीर में, हर मजलिस में पहले ख्वाजा खाजगान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी सुमुल अजमेरी गरीबा नवाज से ये शुरू करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की बारगाह में शनिवार को बहुजन समाज पार्टी के विधायकों ने हाजिरी देकर ख्वाजा की मजार पर फूल चादर पेश कर उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के मुख्यमंत्री बनने की दुआ मांगी। बसपा विधायक उमाशंकर दहली गेट से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ नारे लगाते हुए चादर लेकर दरगाह पहुंचे और ख्वाजा बाबा की मजार पर चादर पेश कर दुआ की। सब लोगों ने मिलकर के देश की सलामती के लिए दुआ, उत्तर प्रदेश की सलामती के लिए दुआ और उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में महंत कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब लोगों ने दुआ किया है और उम्मीद के साथ यहाँ से लोग गए हैं कि 2017 में जो कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए जो अमन चैन चाहती है, जो आपस में सद्भाव बना के जीना चाहती है, उसके लिए महंत कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनना आवश्यक हो गया है। यही सब दुआ करके सब लोगों ने यहाँ से विदा हुए।